फ्री फायर के भाइयों लोग स्वागत करते हैं एक और नई फ्रेश वीडियो में। आज की वीडियो में बताएंगे कि कस्टम कंट्रोल्स होते हैं, कंट्रोल्स को सही तरीके से बेस्ट कंट्रोल्स कैसे रखा जाए। ठीक है, इसमें जो पहला है एम प्रिसीजन, उसको डिफॉल्ट पे रहने दो, या फिर प्रिसाइजन इसको मतलब तुम्हें एम अपना वहाँ पे ले जाना पड़ेगा जहाँ पे बंदा है, और डिफॉल्ट पे तुम बस इसको खोलोगे तो सीधा डिफॉल्ट उसके ऊपर पड़ेगा। लेफ्ट फायर बटन ऑलवेज पे रहने दो, क्विक वीपन स्विच ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। क्विक स्विच करना हो ना, वो बटन आती है, कल इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि वीपन स्विच की बटन कैसी होती है। ठीक है, इसको ऑन कर दो। क्विक रिलोड, ये भी इसकी बटन होती है, कस्टम एचयूडी में इसकी बटन होती है, ये भी इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, इसको ऑन कर दो। AWM स्नाइपिंग, कोई भी स्नाइपर गन चलाओगे ना तो इसमें नॉर्मल पे रहने दोगे तो स्कोप नहीं खुलेगा, और जब फायर करोगे तो, और जब स्नाइपर में अगर होल्ड फायर टू स्कोप करे रहोगे तो उसमें स्कोप खुलेगा, जिससे तुम कहीं भी स्कोप को ले जा सकते हो, फायर बटन को पकड़ोगे और जहाँ पे बंदा हो वहाँ पे ले जाकर तुम उसको मार सकते हो। ट्रेनिंग ग्राउंड में भी जाकर बताऊँगा मैं। व्हीकल कंट्रोल 200 कर दो, 100 से अच्छी नहीं चलती है, 2 हैंड दिए रहते तो 2 हैंड से पकड़ेंगे ना, 1 हैंड से कैसे चलेगी बाइक। ऑटो पैराशूट ऑन रखेंगे, जिससे कि तुम एकदम नीचे आओ तो अपने आप पैराशूट खुल जाए। इन गेम टिप्स को दो। डैमेज इंडिकेटर क्लासिक बेस्ट है, न्यू में जो रहेगा ना, न्यू में वाइट कलर का रहेगा ये भी बताऊँगा, और क्लासिक बेस्ट रहेगा, इसको न्यू भी कर सकते हो या फिर क्लासिक बेस्ट है। ऑटो स्विच गन ऑन, अपने आप गन गोली ख़त्म होगी ना तो अपने आप ऑटो स्विच गन, अगर किसी गन में गोली ख़त्म हुई तो अपने आप गन स्विच हो जाएगी। विजुअल इफेक्ट, इसे डार्क रहने दो, विजुअल इफेक्ट जैसे तुम मारोगे उसको तो कैसा इफेक्ट आएगा ऐसा, या फिर कुछ और भी हो सकता है, लेकिन इस मेरे ख्याल से वही है। फ्री लॉक का ये जो दिया है कंट्रोल्स में कस्टम एचयूडी में, फ्री लॉक का एक चीज़ दिया है, ये फ्री लॉक है ना, ये दिया है। ठीक है, इसी को फ्री लॉक बोलते हैं, जिससे तुम पीछे भी देख सकते हो बिना, जैसे तुम स्प्रिंटिंग कर रहे हो, भाग रहे हो तो भी तुम पीछे इसको ऐसे मुड़ाओगे ना, तो ये पीछे भी देख सकता है, इसके लिए होता है, बढ़िया फ्री लॉक। और हिट मार्कर, ये भी हिट मार्कर, इसको खोलोगे ना तो उसके अंदर मार्क जो रेड रेड दिखता है उसे हिट मार्कर, इसको भी न्यू पे रहने दो। क्लासिक पे पता नहीं चलता है दोनों मतलब क्या, लेकिन न्यू पे रहने दो अच्छा रहेगा। टीममेट इन्फो, ये भी ट्रांसलेट या क्लासिक दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, ये भी रहने दो, ट्रांसल्यूसेंट रहने दो, चलेगा। ओके, अब ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके दिखा देते हैं कि स्नाइपर गन में क्या होता है और हीट मार्कर क्या होता है, ये सब बता देते हैं। ठीक है, आगे ट्रेनिंग ग्राउंड में प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर देना, जो नए बंदे आ रहे हैं प्लीज़, आलू का भी क्यू जल्दी होने वाला है, स्नैक का ले लेता हूँ, कोई मैं पेन ले लेता हूँ। अभी से बंदा खड़ा है, तो इसको बदलने लगे मुझे, कोई स्नैक कर बंदा बदलने में टूटी दे देता हूँ। जैसे बिना आत्मा का बिना जान का बंदा खड़ा है, इसको ना अपने ये होल्ड फायर टू स्कोप किया ना अपने जैसे कंट्रोल में, जो बड़ी हो रही है थोड़ी, होल्ड फायर टू स्कोप है ना, इसमें नॉर्मल पे रहेगा तो स्कोप नहीं होगा। इसलिए इसको अपने होल्ड फायर टू स्कोप कर देंगे। स्कोप खुल रहा है ना, देखो स्कोप खुल रहा है ना, ऐसा होल्ड फायर टू स्कोप, बंदा अगर यहाँ भाग रहा है तो यहाँ पे ले जाओ, बंदा यहाँ भाग रहा है तो यहाँ पे ले जाओ, बंदा सिर्फ खड़ा है तो उसके पास ले जाके 1100 का हेडशॉट, बढ़िया।
और हीट मारकर यही होता है, ये हीट मारकर जो हीट मारकर आ रहा है बस यही हीट मारकर है इसे बन। बढ़िया, चलो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना भाई लोग।